स्वागत है आपका रेनूज फूड जंक्शन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही चटपटे से पकौड़े, वो भी बिना प्याज लहसुन के। बिना प्याज लहसुन के पकौड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा चटपटे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को अच्छे से धो करके छील करके ग्रेट करके ले लिया है। ग्रेट करने के बाद भी हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें एक छोटी कटोरी सूजी। डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब अजवाइन और डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार या 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ से बिल्कुल दबा दबा करके। हमें इसे अभी मिक्स करने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस आलू सूजी नमक हल्दी और मिर्च इसे ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है हमें अभी। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें हम 1 से 2 चम्मच बेसन मिलाएंगे। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है इसमें और बेसन को भी हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। उसके बाद हम ऑयल को कर लेंगे मीडियम गरम और उसमें इसे पकौड़ों का शेप देते हुए छोटा छोटा सा हम तल लेंगे। बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाना है, छोटे छोटे पकौड़ों के साइज़ में ही तल लेंगे हम इसे। और ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट से, बहुत ही चटपटा क्रिस्पी पकौड़ा बन करके रेडी हो जाता है हमारा, वो भी बिना प्याज बिना लहसुन के, सिर्फ आलू से ही, आलू और सूजी का ये पकौड़ा। बेसन भी हमने इसमें 1 से 2 चम्मच ही यूज़ किया है। सिर्फ सूजी और आलू से बना ये पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा चटपटा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। मैंने इसमें अजवाइन डाला है, नमक हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च या अदरक भी कट करके डाल सकते हैं और बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी से बिना प्याज का ये पकौड़ा बन जाता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है पर खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी है और बहुत अलग तरह के पकौड़े ये बनते हैं। बेसन के पकौड़ों से थोड़े अलग, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इनका। आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करके देखिए, पसंद आएगी आप लोगों को। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही ज़्यादा चटपटे, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं ये पकौड़े। नॉर्मली बेसन आलू के पकौड़े से ज़्यादा क्रिस्पी, क्योंकि इसमें सूजी से हमने बनाया है इसे। आलू और सूजी के ये पकौड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो रेडी है हमारे ये पकौड़े, बिल्कुल गोल्डन होने तक हमने इन्हें तल लिया है। इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है इसे और बिल्कुल आसानी से बन गए ये। बहुत ही झटपट, बहुत ही चटपटा सा ये पकौड़ा। रेसिपी लगे अच्छी तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही नई नई रोज रेसिपी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।